नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में प्रतिवर्ष रंग पंचमी के दिन निकाली जाने वाली पारंपरिक गैर को लेकर प्रशासन ने खास तैयारी कर ली है। इस बार प्रशासन ने गैर मार्ग पर लगभग 25 से 30 घरों को चिन्हित किया है, जिनके सामने बैठकर पर्यटक व विदेशी सैलानी गैर देख सकेंगे। इसके साथ ही प्रशासन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पर निकलने वाली महाकाल सवारी की तर्ज पर गैर की लाइव स्ट्रीम कर गैर का इतिहास भी बताए जाने की तैयारी भी कर रहा है। आगामी रंग पंचमी के दिन इंदौर की पारंपरिक गैर के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। इस बार प्रशासन गैर कुछ खास प्रकार की निकालने की तैयारी में है। प्रशासन ने विदेशी सैलानी व पर्यटकों के लिए मार्ग के 25 से 30 घरों को चिन्हित किया है। यहां से विदेशी सैलानी व पर्यटक बैठकर गैर देख सकेंगे। इसके साथ ही उज्जैन में हर वर्ष सावन माह में भगवान शिव की निकलने वाली सवारी की तर्ज पर गैर पर भी लाइव टेलीकास्ट कर गैर की इतिहास बताया जाएगा। बता दें कि अतिथियों व विदेशी पर्यटक के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जा रहा है, जिसको प्रशासन जल्द ही लॉन्च कर अतिथियों की रजिस्ट्रेशन शुरू करेगा और उन्हीं को इन चिन्हित जगहों पर बैठने का मौका देगा। साथ ही असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी कि जिससे गैर में कोई भी अप्रिय घटना ना हो। देखिए, जहां तक गैर की बात है, जो परंपरा गौरवशाली इंदौर की रही है, जितने भव्य तरीके से गैर यात्रा निकाली जाती है, उतने ही भव्य तरीके से और उसी पारंपरिक ढंग से इस बार भी निकाली जाएगी। ये जरूर है कि इसमें कुछ कुछ जो इस प्रकार के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, जो अवांछित होते हैं, वो सेतु लगातार हमारे द्वारा अपील करी जा रही है कि इस तरीके की चीज ना हो और लोग परिवार के साथ उसमें आके एंजॉय कर सकें। इस तरीके का हमको सभी जितने भी गैर हैं उनमें माहौल रखना है। सभी आयोजकों से भी इसी संबंध में हमारी चर्चा हुई थी। जहां तक यूनेस्को की बात है, क्योंकि दो साल में एक ही बार किसी कल्चरल हेरिटेज को यूनेस्को द्वारा दर्जा दिया जाता है, और क्योंकि पिछले साल ही गरबे को दिया गया है, इसीलिए ये संभावना अगले साल बनेगी। लेकिन इस साल हम लोग ये जरूर प्रयास कर रहे हैं कि यूनेस्को के पैमाने पर खरा उतरने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। अगर वैसी कुछ चीजें हमको करने की जरूरत है तो हम लोग इसी गैर में करें, और इसके लिए गैर को पाक साफ बनाना और किसी भी तरीके की उसमें अवांछित गतिविधि ना हो, ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी वहां की टीम आकर देखेगी, जिसमें हम लोग विशेष प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ पूरे रूट पर लगभग हमने इस प्रकार के लगभग 30 से 40 के बीच की संख्या में घर भी आइडेंटिफाई किए हैं, जो लोग अपना स्पेस देने को तैयार हैं, जहां से बाहर जो विजिटर्स हैं, टूरिस्ट हैं, वो आकर बैठ सकते हैं और वहां पर गैर देख सकते हैं। लगभग 250 लोगों की बैठने की क्षमता अभी तक हम लोगों ने क्रिएट करी है। उसकी बुकिंग के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ग्लोमस वाली बातचीत चल रही है, आज शाम तक हम लोग उसको लॉन्च करेंगे और अगले एक दो दिनों के अंदर अगर कोई बुकिंग कराना चाहता है तो इनके लिए उपलब्ध होगा। एक ये भी ऐसी चीज है कि जो महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि यूनेस्को के द्वारा अगर चीजें देखी जाएंगी तो इसमें ये भी होगा कि बाहर से देखने के लिए अगर कोई आता है तो उसके लिए क्या सुविधा मुहैया कराई जा रही है और किस प्रकार की व्यवस्था रहती है बाहर जाने वालों के लिए, तो वो भी एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। बाकी जो रूट का मेंटेनेंस है और वो सारी चीजें हैं, उनके लिए नगर निगम की टीम को निर्देशित कर दिया गया है, जायजा भवन चिन्हांकित करने के लिए, उनको हटाने के लिए, अथवा वहां पर जो हम लोग एक सूचना लगाते हैं वो सूचना चस्पा करने के लिए बता दिया गया है। और मनु मुखर्जी जी के द्वारा भी इस बात की गैर में पार्टिसिपेट करने की सूचना पा। सर, जो विदेशी पर्यटक भी आते हैं आजकल बड़ी संख्या में विदेशी देखने आ रहे हैं, तो क्या उनके लिए अलग लॉन्च बनेगा और जो इतिहासकार रहे हैं तो उसके बारे में बता पाएंगे कि आखिर कितनी पुरानी परंपरा कब से शुरू हुई? और देखिए, एक व्यवस्था करी जा सकती है, जैसा कि महाकाल मंदिर सवारी में भी हम लोगों ने एक व्यवस्था करी थी कि वहां पर लाइव प्रसारण होता था उसका, और वहां इतिहासकार बैठते थे और उसकी परंपरा के बारे में और स्थानों के महत्व के बारे में बताते थे, तो सेम चीज यहां पर भी इम्प्लीमेंट करी जा सकती है। बहुत अच्छा सुझाव है, इस पर हम लोग निश्चित रूप से वो करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ कुछ करने की। जहां तक विदेशी पर्यटकों का सवाल है, तो जैसा मैंने बताया कि हम लोगों ने कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे घर आइडेंटिफाई किए हैं जहां की बुकिंग कराई जा सकती है, तो उनको भी वो सुविधा रहेगी। या अगर कोई हमारे पास में भोपाल से या अन्य कहीं ऑफिशियल मीडियम से कोई खबर आती है तो अन्य व्यवस्था हमारे द्वारा भी करेंगे। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।